मीठे मीठे वचनों को सुनने के लिए अनुभव करें। बाप दादा हमारे सामने सुना रहे हैं। आज की वाणी है 23/9/73 की। वाणी का सार है, विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। इसका सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने कल सिखाया था कि कैसे हम बच्चों को ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहना है, और कोई भी कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा बोल रहे थे कि जैसे काटने वाला, हिलाने वाला, मूर्छित करने वाला वातावरण हो, फिर भी ऐसे वातावरण को भी हम सुख शांति की शैया बना दें, अपने यादगार विष्णु के चित्र के स्वरूप में सदा स्थित रहें, ऐसे बाबा की यादों में मगन रहकर सदा निर्विघ्न जीवन बनाना है। उसके लिए बाबा ने याद दिलाया कि अपने स्वरूप डबल लाइट माइट हाउस में स्थित रहकर अपना कर्तव्य भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना, सदा स्मृति में रखते हुए इसको निभाना है, और आत्माओं को डिवाइन इनसाइट अर्थात तीसरे नेत्र का वरदान देते जाना है। अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बनानी है कि अपने आप को परखने की शक्ति का आईना हरदम पावरफुल बना रहे, जो हमें बाबा से मिला है। तो इस पावरफुल आईने में खुद को खुद ही परखते रहना है, अपने सारे जन्मों के, पूरे कल्प के जन्मों के को निहारना है। तो बाबा ने बताया कि बच्चे आप तो त्रिकालदर्शी हो, तो त्रिकालदर्शी बनकर ही हमें सर्व को संदेश देना है, तभी सेवा का परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, विजय का झंडा लहराने के हम बाबा के बच्चे जो निमित्त हैं वो उसमें सफल होंगे। फिर बाबा ने आज की वाणी में, आज के पाठ में बताया है कि सदा पहले आपका पाठ पक्का करना है, और सदा दूसरों को ही आगे बढ़ाते रहना है। उसकी बाबा ने विधियां बताई कि दो बातें छोड़नी है, स्तुति और परिस्थिति को त्यागना है, और स्वस्थिति को सदा धारण रखना है। तो बाबा ने आगे बताया है कि कैसे अपना स्टॉक जमा रखना है, सिर्फ स्थूल में ही नहीं तैयारियां करनी, कैसे सूक्ष्म में भी अपनी चैतन्य प्रदर्शनी लगाने के लिए खुद को बाबा की यादों से सजाकर अपनी ऊंची स्थिति में रहना है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा पीछे से, त्रिकालदर्शी वाले पैराग्राफ से पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो। बाबा ने तो हमें आकर त्रिकालदर्शी बना दिया ना, एकदर्शी तो हम पहले से भी थे। तो नवीनता तो इसी में ही है कि बाबा ने अपने बच्चों को त्रिकालदर्शी बना दिया। तो बाबा कहते हैं, एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी, अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। बाबा विधि बता रहे हैं कि संदेश देना है, ये तो आप सीख गए, लेकिन हर पल त्रिकालदर्शी की स्थिति बनाकर ही संदेश देना है। बाबा कहते, जब एकदर्शी बन संदेश देते हो तो 1% ही रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात बाबा कहते 75% रिजल्ट होगी। अभी तो एकदर्शी बनने से कितनी रिजल्ट मिल रही है, 25% रिजल्ट मिल रही है। तो बाबा पूछते कि अब क्या करेंगे, अभी पांडव सेना की विजय का झंडा लहराएंगे, फिर क्या करेंगे,
दोनों ही लहराएंगे ना, कि एक तो जो स्थूल झंडा लहराते हैं और एक विजय का झंडा। बाबा कहते दोनों लहराने हैं, सिर्फ स्थूल नहीं लहरा देना और अपनी ऊंची स्थिति से, त्रिकालदर्शी की स्थिति बन में रहते संदेश देने से तो दोनों ही झंडा लहरा पाएंगे। बाबा कहते यह झंडा लहराना तो सहज है, स्थूल झंडा चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो, हर एक अपने एरिया में जितने चाहे लहरा दे, लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? बाबा पूछते कि इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? अगर आप स्थूल लहराते हो तो उसका जो गहराई में अर्थ क्या है कि विजय का झंडा लहराना। बाबा कहते जो अब मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हो, वह किस लक्ष्य से लगा रहे हो? तो बाबा फिर पूछते क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से? बाबा कहते अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। बाबा ने ये भी समझा दिया कि ये लक्ष्य रखना है और इसको पूरा करने के लिए सबने मिलकर कार्य करना है। बाबा कहते कि अगर बच भी जाएं जो विरोध करने वाली ताकतें हैं, बाबा कहते कि अगर वो बच भी जाएं तो वह भी दबे हुए हों, बोलने से चुप तो हो ही सकते हैं ना, मानो अंदर से चुप नहीं होते तो मुख से तो बाबा कहते चुप हो जाए ना। बाबा कहते कि अब तो चुप भी नहीं है, अब तो बोलने में भी होशियार है। फिर बाबा बता रहे कि कौन सी विधियों से बोलते हैं, ये बाबा 73 की बात कर रहे हैं, अब तो और भी बहुत विधियां परिवर्तन हो गई हैं। बाबा कहते देखो विश्व का मुख कौन सा है, किस मुख से वो बोलते हैं? अखबार, पर्चे और मैगजीन, अभी उसके साथ बहुत सारा सोशल मीडिया भी आ गया है। तो बाबा कहते कि अब विश्व के मुख द्वारा बोलते तो रहते हैं ना, और लेकिन ऐसा कुछ करना है, क्या करना है कि वो चुप हो जाएं। बाबा कहते मार ना सको तो कम से कम मूर्छित तो करो, क्योंकि मूर्छित वाला भी बोलेगा तो नहीं ना। अब यह रिजल्ट आउट होनी है, बाबा भविष्य भी बता रहे हैं कि ऐसा होना तो है ही। बाबा कहते राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वह भी देखेंगे। बाबा पूछते लेकिन यह होगा कैसे? तो उसकी बाबा बहुत ही सुंदर विधि बताते हैं, बहुत ही सरल है, बस थोड़ी अटेंशन की जरूरत है। बाबा कहते इसके लिए दो बातें छोड़नी है और एक बात धारण करनी है। तो दो बात कौन सी छोड़नी है, बाबा पूछ रहे? किसी ने बोला कि दो मत को छोड़कर एक मत धारण करनी है। तो बाबा पूछते लेकिन दो मत होती क्यों है? एक मत से दो मत में आने का कारण क्या है? तो बाबा फिर पूछते दो बातें छोड़नी क्या है और एक बात धारण क्या करनी है? फिर बाबा ही बताते कि छोड़नी है एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति, कि अपनी स्तुति की आश भी नहीं रखनी चाहिए, अगर स्तुति मिले तो उसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, इसमें इतनी मजबूत स्थिति बनाकर रखनी है। और परिस्थिति भले कैसी भी आए, जो बाबा ने हमें कल भी समझाया, तो उसमें अपने को डगमग नहीं करना है। बाबा कहते क्योंकि एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरे स्तुति में आने से स्थिति नहीं बनती है, तो इसलिए बाबा कहते स्वस्थिति को धारण करना है।
और स्तुति और परिस्थिति इन दोनों बातों को छोड़ना है। तो ये पक्का कर लेना है कि स्तुति और परिस्थिति इन दोनों बातों को हम छोड़ देंगे और सदा अपनी स्वस्थिति में ही स्थित रहेंगे। संकल्प से भी छोड़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं और मन में विचार चलते रहे ऐसा नहीं। बाबा कहते संकल्प लेवल पे अपने आप को चेंज कर लेना है। बाबा कहते परिस्थिति के कारण स्वस्थिति नहीं होती है और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती, तो इसलिए स्तुति में कभी नहीं आना। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो उसका नुकसान बहुत हो जाएगा। क्या बाबा बता रहे, तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है उसमें 100 गुना कट हो जाता है, क्योंकि अब की अल्प काल की स्तुति सदा काल की स्थिति को कट कर देती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि मेरी स्थिति सदा अचल, अटल, अडोल बनी ही रहे, स्तुति और परिस्थिति से बचना है। बाबा कहते इसलिए अब परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना और स्तुति का संकल्प भी नहीं करना। तो ये बाबा की बताई हुई विधि को अपने जीवन में मानो उतार लेना है, पक्का कर लेना है। बाबा ये भी समझाते हैं ना कि अगर हम स्तुति में जाते हैं, स्तुति कोई करता है तो अच्छा लगता है, तो फिर कोई निंदा करेगा तो उस टाइम फिर सहन भी नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्तुति को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, तभी परिस्थिति में भी हम अपनी अचल, अटल, अडोल स्थिति बना पाएंगे और ऊंची स्वस्थिति में सदा स्थित रहेंगे। फिर बाबा और बताते कि जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा, अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। बाबा कहते निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना। कौन सा याद रखना? बाबा बताते कि कोई भी कार्य हो, कोई भी सरकमस्टांसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में भी कहावत है कि पहले आप, अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाने बढ़ाना स्वयं को आगे बढ़ाना है। सदा यही समझना कि मैं सिर्फ मैंने ही आगे नहीं बढ़ना, मैंने अपने सारे संगठन के साथ मिलकर चलना है। उसकी विधि भी ब्रह्मा बाप के समान सदा पहले आप करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि दूसरों को आगे बढ़ाना स्वयं को आगे बढ़ाना है। बाबा कहते स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है, इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। बाबा कहते यह स्लोगन कब भूलना नहीं, जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं, सिर्फ कर्म में या बोल में नहीं लेकिन संकल्प में भी। इसको अंडरलाइन करना है कि मैंने, मुझ आत्मा ने खुद को संकल्प लेवल पे परिवर्तन कर देना है। तो बाबा कहते सदैव बच्चों को पहले लाए, हमारे साकार बाबा उन्होंने करके दिखाया, सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार बाबा कहते फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं यह संकल्प भी किया, बाबा अलर्ट कर रहे हैं,
अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया वह वाणी व कर्म में भी लाया तो मानो सफलता की माला का एक मन का टूटा। तो एक भी आत्मा, संगठन की एक भी आत्मा, बाबा का हर एक बच्चा अपने पे ये अटेंशन रखे कि ये संकल्प मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, सदैव पहले आप। तो बाबा कहते माला से एक मन का भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वयं को तो इस बात में पक्का करना ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने में, बनाने के प्रयत्न में रहना है। बाबा कहते जिससे विजय माला का एक मन का भी अलग ना होने पाए। बाबा कहते जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व यह कार्य करेंगे तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। तो बाबा फिर विधि बताते हैं कि ऐसा पाठ बजाने के पहले बाबा कहते रिहर्सल करनी होती है, समझा। रिहर्सल में क्या होता है, ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है तब ही पाठ सक्सेसफुल होता है। तो यह धारण करना है, ऐसे बाबा कहते ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन, जब स्टेज पर आएंगे तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज, वंस मोर की आवाज निकलेगी। इतनी सुंदर स्थिति में स्थित होकर विश्व के आगे आना है ताकि उनको इतना पसंद आ जाए कि बोलने सब वंस मोर हियर हियर। बाबा पूछते क्या तैयारी के साथ साथ यह तैयारी भी कर रहे हो, सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में तो बिजी नहीं हो गए हो, पहले अपनी ड्रेस तैयार करो, अर्थात अपनी ऊंची स्थिति में सदा स्थित रहो, फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना, क्या यह भी तैयारी कर रहे हो, क्या इनकी भी मीटिंग करते हो तैयारियों के लिए, स्थूल तैयारियों के लिए जैसे मीटिंग वगैरह करते हैं। तो बाबा कहते ये भी मीटिंग करो कि अपनी ऊंची स्थिति में कैसे रहेंगे। विधि बाबा ने बता दी है कि दो बात छोड़नी है एक बात अपनानी है, क्या इनकी भी मीटिंग करते हो, ज्यादा मीटिंग में दूसरी मीटिंग्स में अगर ज्यादा करते करते बाबा कहते यह पॉइंट भूल ना जाना, स्टॉल को सजाते सजाते समय हो जाए और स्वयं ऐसे ही खड़े हो जाओ। ऐसे होता है ना कि बाहरी रे सारी तैयारियां हो जाएं और खुद को तैयार ही ना कर पाए, तो बाबा कहते ऐसा ना हो जाए। वहां कई सेंटर्स पर फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, स्वयं तैयार नहीं होते, तो बाबा कहते यहाँ अब ऐसे नहीं करना। फिर बाबा अगला स्टेप बता रहे हैं कि दान लेने वाले आ जावे और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवे जो बांटे, इसलिए जो बांटना है ना उसका स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है, उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कई वंचित रह जाएंगे। जल्दी जल्दी में इकट्ठा करेंगे भी तो वो हो भी नहीं पाएगा और कईयों को फिर दे भी नहीं पाएंगे तो वो वंचित रह जाएंगे। बाबा कहते जैसे और चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हो वैसे ही यह स्टॉक पहले इकट्ठा करना है। कौन कौन सा करना है, बाबा भिन्न प्रकार के नई रीति के बता रहे हैं कि जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए या सिर्फ प्रजा पद चाहिए या कोई को साहूकार पद चाहिए और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे, क्योंकि राजधानी बन रही है तो हर प्रकार की आत्माएं सामने आएंगी, तो अपने पास हर प्रकार का स्टॉक होना चाहिए। बाबा कहते विश्व महाराजन को कई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहें,
तो ऐसे भक्त जो नमन करना चाहते हो, ऐसों का भी स्टॉक भर दो। बाबा कहते हैं जिसको जो चीज चाहिए और जिस चीज की इच्छा हो, उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। इतनी तैयारी करनी है, इतना स्टॉक जमा करना है। लेकिन कौन सी इच्छा, वो बाबा फिर अलर्ट कर रहे हैं कि इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा, तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकोगी। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या यह भी तैयारी की है, यह पोता मेल निकाला है, या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन कितना धन धन तन धन देंगे, कितने बैनर्स और चादरें आदि देंगे, क्या यह निकाल रहे हो? लेकिन बाबा क्या कहते, अपने मस्तक पर भी बैनर्स लगाना पड़ेगा। तो तैयारी ये करनी है, अपनी मस्तक की तैयारी, अपने से चैतन्य मूर्त से चैतन्य प्रदर्शनी लगाने की तैयारी। वो फिर बाबा समझा रहे कि पहले तो अपनी मूर्त की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, जिसमें जिसमें क्या क्या आएगा, नयन कमल सम दिखाई दे। इतने शीतल नयन कमल, पवित्र नयन, एकदम बाप समान ऐसे बनाकर रखने हैं। होठों पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे, साधारण मुस्कुराहट नहीं, रूहानी मुस्कुराहट कि मैं आत्मा अपने सर्व आत्मा भाइयों से मिल रही हूँ, सर्व आत्मा भाइयों से बात कर रही हूँ। ऐसी रूहानी मुस्कुराहट, ऐसे नयन कमल और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। मस्तक में मानो आत्मा चमकती रहे, स्वयं की भी और सामने वालों की भी हमें आत्मा ही दिखाई दे। तो बाबा पूछ रहे, तो क्या ऐसी अपनी मूर्त को सजाया है, यह प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो, या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो? इसका इनाम भी मिलेगा ना। चतुर सुजान बाबा फिर हमें और भी तैयार करते हैं कि ऐसा करोगे तो इसका इनाम भी मिलेगा। बाबा कहते, आप तो आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे, और बाप दादा क्या करेंगे, बाप दादा इनाम देंगे चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का। इसलिए अब डबल इनाम मिलेगा। तो अपनी सूरत को ऐसा सजाने की ही हम बच्चों को रेस करनी है। सदैव ध्यान रखते हुए इतनी सुंदर मूरत अपनी तैयार रखनी है। बाबा कहते, किस किस ने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी व अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की उसका इनाम देंगे। अब रिजल्ट देखेंगे। बाबा कहते रिजल्ट तो आनी है ना। तो तीन नंबर्स को इनाम मिलेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बाप दादा भी तीन इनाम देंगे, जैसे स्थूल में तीन मिलते हैं तो बाबा कहते मैं भी तीन ही दूंगा। तो हर एक, सभी अभी से सोच रहे हैं हम फर्स्ट इनाम लेंगे और फर्स्ट में भी आ जाएंगे। तो बाबा कहते आपने करना क्या है कि संकल्प से अपने को पक्का कर लेना है कि हम तो फर्स्ट इनाम लेंगे ही, तो आप फर्स्ट में आ जाएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जावें तो भी सौगात देंगे। ये नहीं कि फर्स्ट इनाम एक ही है। बाबा बड़ी दिल वाले बाबा कहते कितने भी फर्स्ट में आए सबको सौगात मिलेगी। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। जब इतने विजयी बनेंगे तो विजयी रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात है। बाबा कहते सब फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्थूल में मिलेगा। बाप दादा भी, बाबा कहते स्थूल में इनाम देंगे, सूक्ष्म कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी,
साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में ही देंगे। क्या देंगे वे अभी नहीं बतावेंगे, ये बाबा ने सस्पेंस रखा। वह उस समय पर सिद्ध होगा जैसी योग्यता होगी, उस योग्यता के अनुसार इनाम होगा। तो किसी बच्चे ने पूछा होगा कि गोल्ड मिलेगा, तो बाबा कहते कि गोल्ड भी क्या बड़ी बात है, थोड़े समय के बाद तो यह सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। विश्व का मालिक बनने वालों के लिए ये सब क्या बड़ी बात है। जो बाप दादा की सौगाते हैं ना, जितना नंबर उतनी सौगात। बाबा कहते जितनी बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनको ऐसी बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम यह दीदी दादी हो देंगे और वह बाप दादा देंगे। अच्छा, बाबा फिर पक्का कर रहे हैं कि दिलासा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल में देंगे ही। तो इनाम पाना ही है हमने और खुद की ऐसी तैयारी करनी ही है। कितने भाग्यशाली जो बाप दादा से हमें इनाम मिलेगा। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा सफलता मूर्त, सदा स्वस्थिति से, सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण बन विश्व नव निर्माण करने वाले और कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा ही खुद को बनाने वाले हम रूहानी बच्चों के भी मीठे मीठे सिक्की लदे प्यारे बाप दादा को दिल से, प्यार से, सिकवा प्रेम से, गहराई से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे से बाबा, शुक्रिया। अब एक मिनट साइलेंस में। शांति। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। सुनाइए दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि हमें दो बातें छोड़नी है, एक तो स्थिति और दूसरी परिस्थिति। दूसरा पॉइंट में है, जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। ओम शांति। हाँ जी, बारी से सभी सुनाते जाएं जिन्होंने हैंड रेस किए, वन बाय वन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा निर्माण बनने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। तो निरहंकारी बनकर कोई भी कार्य करेंगे तो मन में निर्माणता की भाव पैदा भी निर्माण की भाव पैदा होता है। माने कोई भी कार्य करेंगे तो मान सान की इच्छा ही नहीं रखना, तब सफलता मिलेगा। कोई भी कार्य करते समय यह समझना है कि बाबा कर रहा है, मैं निमित्त हूँ, मैं मेरा कर्तव्य निभाता हूँ। तो मान सान से परे रहकर
कोई भी श्रेष्ठ संकल्प से कार्य करेंगे तो निर्माण बन जाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने बोला हमेशा स्मृति में रखो कि पहले आप दूसरों को आगे बढ़ाना मानना, स्वयं को आगे बढ़ाना है, स्वयं झुकना मानना, विश्व को अपने आगे झुकाना। तो सदा हमारा वृत्ति दृष्टि और वाणी में यह रहे कि पहले आप, जिसे ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को पहले रखते थे, ऐसे हमको फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने कहा स्वयं को इस बात में पक्का करना और संगठन को भी इस पाठ में मना, इस स्लोगन पहले आप में सदा सफल बनाने की भी मदद करना। ओम श्री। ओम शांति। आज बाबा ने कहा नव विश्व निर्माता त्रिकालदशी बनाने वाले, हर परिस्थिति और समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले और दिव्य दृष्टि विधाता, विजय का झंडा लहराना, जो अब मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हो, क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से अब लक्ष्य यह रहो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। अपनी ऊंची स्थिति से हमने विजय का झंडा लहराना है। आगे बताएं जी। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओम शांति। आज बाबा एक स्लोगन याद कर, बाबा बोलते इस स्लोगन जो है यही हमें आगे बढ़ाएगा और अब हमारा कार्य सफलता की ओर अग्रसर बढ़े। तो वो स्लोगन है पहले आप। इसलिए हमेशा कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति सामने हो, कोई भी कार्य हो, लेकिन अगर हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो उसका मतलब क्या, हम स्वयं को आगे बढ़ा रहे, स्वयं को आगे बढ़ाना हुआ। अगर हम दूसरों को सामने आगे बढ़ाएंगे तो भविष्य में क्या होगा, विश्व हमारे सामने झुक जाएगा, सभी हमारे सामने झुक जाएंगे। तो ये वृत्ति दृष्टि और वाणी में, संकल्प में भी कभी ये नहीं सोचना कि मैं करूँ, पहले मैं करूँ, पहले मैं वाला स्लोगन भूल जाना। हमेशा यही याद करना, पहले आप, पहले आप। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी भी संकल्प बोल और कर्म में कभी भी ये नहीं सोचा कि पहले मैं कर। बाबा हमेशा बच्चों को आगे बढ़ते, बच्चे आप मेरे से आगे, बाबा हमेशा यही करते। तो अगर हम इस प्रकार फॉलो फादर करेंगे, मतलब बाबा जो करते थे उसको देख के हम उस पथ पे चलेंगे तो हमारी सफलता 100%। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, पहले रीमा दीदी बोलेंगे, उनका हैंड रेज है, फिर आप बोलेंगे। ओम शांति। जो बाबा की अव्यक्त वाणी जिसका टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम विश्व की आत्माओं, क्योंकि हम आधार मुहूर्त हैं, हम उद्धार मुहूर्त हैं, तो इस अव्यक्त वाणी के द्वारा बाबा हमें ये हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना चाह रहे हैं। तो हम सब चेक करें क्या हमारी ऊंची स्थिति है। ऊंची स्थिति अर्थात एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो, साधारण संकल्प भी उत्पन्न ना हो। दूसरा, क्या हम विघ्न विनाशक है अर्थात सदा निर्विघ्न है, कि विष्णु शैया जैसे गायन है कि बे आरामी में भी आराम से रहना। फिर क्या हम सदा निर्विघ्न है। फिर क्या हम अधिकारी हैं, मतलब राज्य अधिकारी हैं, कि राज्य अधिकारी अर्थात हम अपने स्वभाव संस्कार संकल्प के भी अधीन नहीं, क्योंकि जितना हम अधिकारी बनेंगे उतने ही वहां पे राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा ने कहा कि गुण हमारे अंदर निर्माण चित्त हैं,
सभी को, जैसे कि बाबा ने कहा ना कि दूसरों को पहले आप आगे रखना, क्योंकि जब निर्माण चित होंगे तभी निर्माण कर सकेंगे, तभी विश्व का नव निर्माण कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा हमारे पास शक्तियों का, ये गुणों का स्टॉक है, क्योंकि हर तरह की आत्माएं हमारे सामने आएंगी, जैसे प्रजा वाली भी आत्माएं, साहूकार पद वाली भी, कोई सलाम भरने वाली, कोई भक्त आत्माएं, तो हर सभी को देने के लिए क्या हमारे अंदर, हमारे चेहरे से हमारी रूहानी मूरत रहती है कि नैन हमारे कमल समान हो, होंठ हमारे रूहानी मुस्कुराहट वाले हो, मस्तक आत्मा को जो मस्तक के द्वारा आत्मा को सूरत दिखाई दे, क्या ऐसी मूर्त हमें बनी है। तो हम ये प्रैक्टिकल में चेक करें कि हम ये क्या हम दूसरों को देने लायक बने हैं, तभी हम विश्व अधिकारी बनेंगे, हमारे अंदर कोई भी गुणों की कमी, शक्तियों की कमी। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्माण, आपको स्तुति भी नहीं, स्तुति के कारण स्थिति नहीं होगी, संकल्प में भी नहीं हो, नहीं तो वहाँ 100% कट हो जाएगा। और परिस्थिति के कारण अगर आप स्वस्थिति नहीं होगी, अगर आपकी हलचल होगी, तो इसलिए बाबा ने कई गुण और बताए कि हम सभी चेक करें क्या क्या कमी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति बोलिए। बाबा बोला जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माण होता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस सकते हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप, अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं को झुकना ही विश्व के अपने आगे झुकना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। इस यह स्लोगन कभी भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प बा बोल में बा कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं, सदैव बच्चों के पहले लाए, इस दृष्टि बा वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाले और आत्मा इस बातों में फॉलो फादर करने के सफलता 100% गोले के माला बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और भी बताएंगे बाबा के सभी मीठे बच्चे अपना पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज इसके आगे संगठन की महत्व को बताया। बाबा ने इसमें हर एक की संकल्प बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। बाबा ने कहा अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं का एक भी आत्मा की संकल्प चला तो वो सफलता नहीं है 100%, क्योंकि माला की एक दाना भी अगर अलग हो जाए तो माला नहीं बन सकते। तो ये बातें हमको सदा याद रखना है, क्योंकि बाबा संगठन के बहुत महत्व देते हैं। तो जब सारा संगठन एक हो जाए तो बाबा बोल रहे स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पार्ट में वह इस स्लोगन में सदा सफल बनाने की प्रयत्न रहना है। तो ये सारा एक होकर आगे चलेंगे तो ही माला का मनकर बनेंगे और हम गले का होकर 100% सफलता और गले का माला बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। अभी यहीं पे एंड करेंगे, फिर पोल लॉन्च किए हैं, पोल में एक बार सभी लॉगिन करें। आगे होमवर्क और दूसरा योग 2-3 मिनट का।
बहन जी कराएंगे जी। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे जो सब बच्चों को भी पॉइंट बहुत ही पसंद आया है कि अगर निर्माण रहेंगे तो निर्माण का कार्य कर पाएंगे। तो सारा दिन ध्यान रखेंगे कि पहले आपका पाठ पक्का रहे और ये स्लोगन याद रहे कि दूसरों को आगे बढ़ाना स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो ये सारा दिन स्मृति में रखते हुए इसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है। और दूसरा पॉइंट कि त्रिकालदर्शी बनकर ही हमको सर्व को संदेश देना है ताकि सर्विस की ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलती रहे। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। देखें स्वयं को, मैं बाबा का विशेष बच्चा, उस ऊंचे से ऊंचे बाप की, ऊंची स्थिति पर सदा स्थित हूं। अपने वेस्ट को खत्म करते श्रेष्ठ में ही चलने वाली मैं आत्मा सदा रेस्ट में रहती हूं। ऐसी ऊंची स्थिति में देखें स्वयं को अपने फरिश्ताई चोले में, अव्यक्त वतन में, बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि ले रहे हम बाबा के लाडले बच्चे, बाबा की दृष्टि से अनुभव करें कि मुझ आत्मा की ये मूर्त चमकने लगी है, नयन कमल सम पवित्र हो चुके हैं, होठों पर सदैव रूहानी मुस्कुराहट है और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई देती है। इतनी सुंदर मूरत बाप दादा की दृष्टि से बन चुकी है, मानो चैतन्य प्रदर्शनी बन गए। अब अनुभव करें बाप दादा के वरदानी हाथ अपने सिर पर, सर्व वरदानों को अपने अंदर भरते अनुभव कर रहे हैं कि सर्व प्रकार के स्टॉक जो हम बच्चों को बांटने हैं वो मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। सर्व स्टॉक में फुल हो चुकी मैं आत्मा, सजी सजाई मूरत मानो चैतन्य प्रदर्शनी लगाने वाली ऐसी सुंदर स्थिति बनाकर
बाप दादा का दिल से शुक्रिया करते आ जाते हैं अपने साकारी देह में और अनुभव कर रहे हैं कि अब ये मूरत चैतन्य प्रदर्शनी लगाने वाली बन चुकी और मुझ आत्मा के स्टॉक सदैव फुल हैं उस मीठे बाप दादा की छत्र छाया के सदैव नीचे। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी नूर रत्नों का बाबा के इस काल में जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छा। सभी का शुक्रिया इस काल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छा योग कराया, बहुत अच्छे से मुरली रीड की। और शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल में जुड़ने के लिए। आज सारा दिन चैतन्य प्रदर्शनी लगा के रखें बाबा, शक्तियां गुण लेते रहेंगे। जो भी सुख शांति लेने आए वो देनी है। मस्तक से सितारा दिखाई दे, मतलब आत्मा की सूरत, नैनों से सम नैन और होठों पर क्या रूहानी मुस्कान। और जो भी कुछ दान लेने उनको सबको देते रहेंगे। ओम शांति, थैंक यू सभी का।